हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों फिलहाल मैं हूं अभी BRC यानी कि वडोदरा में, और यहां से मैं एक स्पेशल ट्रेन में ऑन बोर्ड होने वाला हूं। और ये ट्रेन स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ट्रेन लॉन्च हुई थी इन द ईयर 2011 में, जब पहली बार इंडिया में पहली बार डबल डेकर ट्रेन जो है वो चलाई गई थी हावड़ा से धनबाद के बीच में। और उसके बाद से हमारी भारतीय रेलवे में बहुत सारी डबल डेकर ट्रेन जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई। ये एक प्रीमियम क्लास कैटेगरी की ट्रेन है जिसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है हमारे इंडियन रेलवेज में, लेकिन बहुत ही कम ऐसी डबल डेकर ट्रेन्स है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही डबल डेकर ट्रेन ऐसी है जिसको 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो परमिसेबल है, तो वो है ट्रेन नंबर 12932 यानी कि अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस। और आज हम उसी डबल डेकर एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले हैं। तो जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि डबल डेकर ट्रेन में 130 की रफ्तार पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहा हूं मैं। चलिए अंदर चलते हैं और डबल डेकर ट्रेन का अराइवल लेते हैं। और अभी जयपुर बांद्रा हमारी ट्रेन से पहले आ गई, पर इस ट्रेन का भी ओवरटेक होगा। और साथ ही साथ भुज दादर सयाजी नगरी का भी अराइवल हुआ है और इसका भी ओवरटेक होने वाला है। और आखिरकार इन दोनों ही ट्रेन्स के जाने के बाद बहुत ही खूबसूरत एंट्री लेती हुई हमारी डबल डेकर भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं और फिर अच्छे से ट्रेन का इंटीरियर देखते हैं। और एक चीज़ है कि अपनी ट्रॉली बैग को ना इसमें रखने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अब एक चीज़ है कि जब हम अपर डेक पे आते हैं तो यहाँ काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पे रख सकते हैं, तो सामान जो है ना वो यहाँ रखते हैं और वही सही रहेगा। तो यहाँ स्पेस है इसलिए रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नीचे ना बिल्कुल स्पेस नहीं है कि आप एक ट्रॉली बैग रख पाओ। और अभी जो है हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है। ये एक तरह से एकदम मिडिल वाला चीज़ है, मतलब ना अपना ऊपर ना नीचे, ये सीट होती है ना, ये ना ऊपर ना नीचे, यहाँ से डिपार्चर कुछ ऐसा दिखता है। डबल डेकर के जो डोर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है, आपको मैन्युअली ओपन करना होता है। चलिए अपने सीट पे चलते हैं अभी और वहाँ से थोड़ा बैठ करके नीचे से नज़ारे जो है वो लेते हैं। आपको याद है कि हमारी ट्रेन के अराइवल से पहले जो सयाजी नगरी ट्रेन थी वो आ गई थी, अब उसका ओवरटेक जो है वो होने वाला है क्योंकि बहुत दूर तक तो वो गई नहीं होगी, शायद इसी स्टेशन पर इसका ओवरटेक जो है वो जाएगा। बिल्कुल देखो वहीं पर करिए, विश्वामित्री पे सयाजी नगरी का ओवरटेक जो है वो हो रहा है। तो फिलहाल अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं लोअर डेक में, और जैसे जैसे ट्रेन आगे निकलेगी ना आपको हम लोअर डेक और अपर डेक दोनों से आपको एक्सपीरियंस जो है वो दिखाएंगे कैसा लगता है। फिलहाल लोअर डेक से तो ऐसा लग रहा है मानो बिल्कुल आप ज़मीन के एकदम करीब से चल रहे हो, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है नॉर्मल ट्रेन से। बाकी बहुत सारे स्टेशन स्किप होने वाले हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपर डेक से भी जो स्टेशन स्किप है वो दिखाऊँ, ओवरटेक्स दिखाऊँ, और साथ ही साथ कुछ रिवर्स क्रॉसिंग भी है, कुछ बड़ी बड़ी नदियों की क्रॉसिंग भी होने वाली है, तो वो सब भी आपको दिखाऊंगा मैं। फिलहाल अभी जो ट्रेन है ना वो 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही है। चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं और बाहर से कुछ एक्शन जो है ना वो आपको दिखाते हैं। यार 130 की रफ्तार में डबल डेकर ट्रेन चल रही है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यार। और भारत की इकलौती डबल डेकर ट्रेन है ये जो कि 130 की रफ्तार में चलती है। चलो वेज कर लेट।
देख ट्रेन में पेंट्री कार तो नहीं है, पर ऑन बोर्ड पेंट्री में आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। मतलब चीज़ सैंडविच मैंने लिया है, उसके बाद से ये वेजिटेबल कटलेट जो है ना ये भी ले लिया है, तो आम चीज़ होती है नॉर्मल प्रीमियम ट्रेन में। इसके लिए आप पे करते हो पहले से ही, लेकिन यहाँ पे अब वो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो शताब्दी राजधानी दुरंतो टाइप की ट्रेन्स होती है उसमें केटरिंग चार्जेस जो होते हैं ना इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन इसमें केटरिंग चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है और इन सभी चीज़ों के लिए आपको अलग से पे करना होता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, अपने पास वेज कटलेट है, चीज़ सैंडविच है और इडली भी है। इडली जो कि काफ़ी सॉफ्ट दिख रही है, टेस्ट करते हैं सभी को। फ़िलहाल बारूद जो है वो आने वाला है, तो उसका अराइवल आपको दिखाते हैं और उसके तुरंत बाद जो रिवर है नर्मदा रिवर है वो देखने को मिलने वाली है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बड़ी स्लो सी हो गई ट्रेन, भरूच पहुंचने वाले हैं बस, बाकी ऐसा लग रहा है कि ट्रेन बिल्कुल क्रॉल करके वहां पहुंचेगी और हम वेट कर रहे हैं अपने इस लजीज से ब्रेकफास्ट का, पर ये तभी खा पाएंगे जब एक बार ट्रेन हमारी भरूच से आगे निकल जाती है। चलिए जब तक भरूच पहुँचते हैं तब तक इस ट्रेन के बारे में आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। बात करें अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस की ना, तो इसको इन द ईयर 2012 में शुरू किया गया था, यानी आज से करीब 9 साल पहले। और वहीं बात करें फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन की, तो उसको इन द ईयर 2011 में शुरू किया गया था और वो ट्रेन थी कोलकाता से धनबाद के बीच में। एक और चीज़ इस ट्रेन के बारे में स्पेशल वो ये है कि बहुत सारी डबल डेकर ट्रेन चलती हैं वैसे तो इंडियन रेलवेज में, लेकिन ये ट्रेन जो है इकलौती ट्रेन है जो 130 की रफ्तार में चलती है और आपने एग्जांपल तो देख ही लिया होगा। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के पहले हॉल्ट। हालांकि ट्रेन अहमदाबाद से निकलती है और उसके बीच में ट्रेन नदियाद और आनंद जंक्शन जो है वो रुकती है, लेकिन हमने अपनी ट्रेन जो है वो वडोदरा से बोर्ड की थी, तो इसलिए हमारा ये पहला हॉल्ट हुआ। और बात करें भरूच की ना, तो यहाँ पे अगर आप जब भी आओ ना, तो यहाँ के जो सिंग दाने होते हैं ना आप ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही फेमस है यहाँ के सिंग दाने। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी मैं भरूच की तरफ आता हूँ तो स्टेशन में बहुत सारे जो पंछी होते हैं ना वो बैठे होते हैं, लेकिन आज बिल्कुल शांति छाई हुई है। और जैसे ही हम लोग भरूच रेलवे स्टेशन से निकलेंगे ना, तुरंत ही नर्मदा रिवर के ऊपर बना ब्रिज जो है वो आ जाता है, जो कि बहुत ही विशाल है। और नर्मदा नदी के ऊपर बना ये गोल्डन रोड ब्रिज बहुत ही पुराना है और सुनने में आता है कि इसमें इतना ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल किया गया है कि 4 लेन के 2 और ब्रिज बन सकते हैं इसके आयरन का इस्तेमाल करके। तो ये थी नर्मदा रिवर और विशाल सा ब्रिज था ये। और हमारी ये डबल डेकर ट्रेन जो है ना वो टोटल 491 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और समय करीब 7 घंटे का लगता है और एवरेज स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर का आता है। तो चलिए भरूच रेलवे स्टेशन और नर्मदा दोनों ही मिल चुकी है, अब वापस से अपना जो ब्रेकफास्ट है वो फिनिश करते हैं क्योंकि भूख काफ़ी लगी है। सुबह सुबह ट्रेन निकल जाती है और सुबह की ट्रेन पकड़ना ना सच में बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले जो है ना वो नहीं कटलेट नहीं, सबसे पहले चीज़ सैंडविच जो है उसको ट्राई करते हैं। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, अगर इसके बाद चाय मिलती ना तो मज़ा आता। चलिए सैंडविच को तो मैंने ख़त्म कर दिया, हालांकि बहुत सारा क्वांटिटी है, बहुत सारा सैंडविच है, अच्छे हैं पर चाय के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। अब टेस्ट कर लेते हैं कटलेट को। भाई कटलेट जो है ना अच्छा है, अगर थोड़ा सा गर्म होता ही है तो मज़ा आ जाता, बाकी टेस्ट ओवरऑल अच्छा है उसका। ऐसे चाय पीने का मन था पर चाय तो नहीं मिली, पर ये नेस्कैफे का कोल्ड कॉफ़ी जो है वो मिल गया। और एक और चीज़ है, इस रूट पे इसको बहुत ही प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन चलती है इस रूट पे, चाहे वो तेजस हो गई, राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, शताब्दी हो गई, उनमें से ये भी एक ट्रेन है जिसको बहुत ही हाई प्रायोरिटी मिलती है इस रूट पे।
तो बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सूरत, पर सूरत से पहले जो तापी रिवर है ना उसको हम क्रॉस करने वाले हैं, तो आइए पहले वो देखते हैं, उसके बाद से सूरत का अराइवल जो है सर देखते हैं। और सूरत से पहले तापी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं हम, और सूरत छपरा के बीच एक ट्रेन चलती है, इसका नाम तापी रिवर और गंगा रिवर के नाम से लिया गया है। वो कौन सी ट्रेन है, नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो ये थी तापी रिवर, और तापी रिवर को क्रॉस करने के बाद हम बस पहुंच चुके हैं सूरत, और यहाँ हमें मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस भी क्रॉस होने वाली है। तो लीजिए पहुंच चुके हैं सूरत, और सूरत में पहुंचने के बाद से भाई खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं भाई, कैसे गर्मा गर्म खमन, और इधर जो वड़े हैं वो तले जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ मिल जाती है सूरत में, तो बिल्कुल आपको खाने कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अपने तय वक्त से करीब करीब 10 मिनट की देरी से पहुँच चुके हैं सूरत, हालाँकि यहाँ पहुँचने का सही समय था 9:12, पर ट्रेन हमारी जो थी वो आउटर पे रुकी थी, इस कारण से थोड़ा लेट हो गया। बाकी अगर मैं बात करूँ सूरत की, तो आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे सूरत किस लिए फेमस है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि टेक्सटाइल और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग जो है ना वो बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे होती है। अराउंड 80% जो डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग होती है दुनिया की वो सूरत में ही होती है, तो सूरत एक बहुत बड़ा इस चीज़ का हब है। जो डबल डगर की लिवरी है ना वो बहुत ही यूनिक है, ये इसकी यूनिक लिवरी इसको बहुत ही अलग बनाती है, लेकिन आप देखो तो बहुत सारी ब्रांडिंग्स जो है वो हो रखी हैं इस ट्रेन में। ब्रांडिंग से एक बात मुझे याद आई, आपको बस कुछ देने बताता हूँ मैं, फिलहाल बस यहाँ से डिपार्चर जो है बस होने वाला है अपना। चलिए फिलहाल अपना डिपार्चर जो है वो सूरत से हो चुका है, और डिपार्चर के तुरंत बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इस ट्रेन के बारे में एक और ख़ास चीज़। चलिए सूरत से अपना डिपार्चर जो है वो तो हो चुका है, बाकी मैं बात कर रहा था ब्रांडिंग की, तो मुंबई अहमदाबाद डबल डेकर जो थी ना ये पहली ट्रेन थी जिसमें ब्रांडिंग जो है वो की गई थी। आपने देखा बाहर किस तरीके से जो ब्रांडिंग है वो रखी है, तो ये पहली ट्रेन थी जिसमें इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू हुआ था। बाकी अब तो आपको बहुत सारे ट्रेन्स और लोकोमोटिव्स में आपको ऐसे ब्रांडिंग जो है ना वो देखने को मिल जाती है, तो बस यही आपसे बताना था। बाकी शुरुआत जो थी वो ब्रांडिंग की वो इसी ट्रेन से हुई थी। अच्छा बात करें डबल डेकर की ना, तो इसमें अपर डेक और लोअर डेक होता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको साइड में भी कुछ सीटें जो है मिल जाती हैं, तो इस तरीके से इसमें बैठने की बहुत सारी सीट जो है वो मिल जाती है। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो जो मिडिल डेक है यानी कि पैंटी साइड में, वहाँ 1-6 सीट हैं, फिर उसके बाद से लोअर डेक में 7-54 सीट हैं, मतलब वो नंबर है। उसके बाद से मिडिल डेक में देखा जाए नॉन पेंटी साइड, तो वहाँ 55-70 सीट्स हैं यानी 55-70, और अपर डेक में 71-120 तक की सीट जो है वो दी गई, यानी कि टोटल 120 लोग बैठ सकते हैं इस डबल डेकर ट्रेन में, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि 120 लोग को एक ही बार में इस कोच में बैठने का मौका मिल जाता है। और फिलहाल अभी जो है ना अपर डेक में आ चुके हैं, और अपर डेक से मैं आपको उधना का स्किप जो है वो दिखा रहा हूँ। उधना जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो जलगांव की तरफ निकल चुकी है, तो इसलिए इसको निकली हुई है इसलिए इसको जंक्शन जो है वो बोलते हैं। देखो ऐसा लग रहा है प्लेटफॉर्म बिल्कुल मुंह के पास से स्किप हो रहा है, ये कमाल लग रहा है भाई ये नज़ारा पूरा। देखो ट्रेन क्रॉस हो रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसका जो बोगीज होता है ना बिल्कुल उसके लेवल से हम उसको उसके देख रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस यार। अच्छा एक और चीज़ है मैं आपसे बात करने वाला था कि हमारी जो ट्रेन है ना उसके बहुत सारे हॉल्ट हैं, मतलब करीब 9 हॉल्ट हैं, और देखो अभी स्पीड ट्रेन की 130 किलोमीटर पर आवर,
और इस स्पीड में जब कोई ट्रेन ऐसे प्लेटफॉर्म स्किप करती है ना, तो अलग ही मज़ा होता है। ऐसा लगता है बिल्कुल आप प्लेटफॉर्म के लेवल से एकदम चल रहे हो, एकदम से बड़े अच्छा एक्सपीरियंस होता है यार। ये फ्लैट 130 की रफ्तार में, 130 की रफ्तार में जो है वो हमने स्किप किया इस प्लेटफॉर्म को। और अंबिका रिवर को क्रॉस करके जल्दी स्किप करने वाले थे बिलीमोरा जंक्शन, जो कि एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक नैरो गेज की ट्रेन चलती है वाघाई तक, और मैं बहुत ही जल्दी इस नैरो गेज की जर्नी को आप सभी के सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो भाई सुबह जो थी ना, वो नींद ठीक से कंप्लीट हो नहीं पाती, जिस कारण से हल्की हल्की नींद जो है वो तो आती है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं वापी रेलवे स्टेशन। इसके पहले वलसाड रेलवे स्टेशन था, लेकिन वो स्किप हो गया क्योंकि मैं नींद में था। चलिए वापी स्टेशन बस पहुंच रहे हैं, बाकी चाय पीने का बहुत ही मन था, लेकिन कोशिश करेंगे कि वापी स्टेशन पर अगर चाय मिल जाती है अच्छी सी तो वहाँ चाय पीते हैं। चाय मिलेगी क्या? तो बात करें वापी की ना, तो यहाँ पहुँचने का सही वक्त था करीब 10:30, पर हमारी ट्रेन यहाँ पे 10:48 पहुँची है, तो थोड़ी लेट ज़रूर से हो चुकी है। मैंने सोचा था कि वापी में चाय पीऊँगा क्योंकि नींद बहुत आ रही है, पर वहीं देख दो नींद बहुत आ रही है, कॉफ़ी पीना बहुत ज़रूरी है। कितने की है? 25। और अब जाके जब हमारी ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली है, तब जयपुर बांद्रा को ओवरटेक पॉसिबल हो पाया। सच में इस गाड़ी को भी बहुत इज्जत मिलती है। और अभी अभी जो है वो हमने बोटी स्टेशन को स्किप किया है, और अब फाइनली जो है महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं हम। एक चीज़ तो है कि इस ट्रेन में आपको हर ट्रेन का एक्सपीरियंस जो है मिल जाता है। एक तो डबल डेकर ट्रेन है, तो अपर डेक और लोअर डेक का मज़ा जो आपको मिल ही जाता है। बाकी एक नॉर्मल ट्रेन जो होती है ना, जैसे नॉर्मल ट्रेन की जो हाइट होती है, जो सीट्स की हाइट होती है, बिल्कुल वैसे ही ये वाला एरिया है। यहाँ पर बिल्कुल वही हाइट है जो नॉर्मली हाइट होता है हमारे शताब्दी या फिर नॉर्मल किसी ICF या फिर LHB ट्रेन में, और ये बिल्कुल वही हाइट है जो हमारे नॉर्मल जो LHB ट्रेन होती हैं, नॉन डबल डेकर ट्रेन होती है ना, बिल्कुल ये वही हाइट है। तो इस ट्रेन में आपको तीन जो व्यू है वो मिल जाते हैं, एक तो नॉर्मल ट्रेन के, एक अपर डेक और एक लोअर डेक। तो ये एक्सपीरियंस आपको एक ही ट्रेन में मिल जाता है, विच इज़ रियली अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। और अभी हमारी ट्रेन फ़िलहाल पालघर को स्किप कर रही है। और इन छोटे छोटे पहाड़ों को देख करके यही लगता है कि जल्दी हम वैतरणा रिवर को भी क्रॉस करने वाले हैं। और इस रूट पे वैतरणा रिवर के अलावा वसई क्रीक का भी एक बड़ा सा ब्रिज आता है, जिसको हमारी ट्रेन अभी क्रॉस कर रही है। और इतना सारा पानी देख करके ऐसा लग रहा है मानो मुंबई में मॉनसून शुरू हो चुका है। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच रही है बोरीवली रेलवे स्टेशन। तो करीब 132 किलोमीटर के नॉन स्टॉप रन के बाद अब जाकर के हमारी ट्रेन जो है वो रुकने वाली है। ये देखिए बिल्कुल कहाँ प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस कांच के जैसी बिल्कुल बगल में ही प्लेटफॉर्म है। ये देखिए हमारे सौरभ भाई, देखिए और आगे आ जाइए, ये देखिए ये कहाँ पे प्लेटफॉर्म है, देखो। और मुंबई में एंट्री लेते ही लोकल ट्रेनों के साथ अपनी रेस भी शुरू हो जाती है। AC local।
ये है मुंबई की एसी लोकल। और यहाँ इस लोकल से इस बात की रेस हो रही है कि कौन पहले मुंबई सेंट्रल पहुंचने वाला है। पर आखिरकार हम भी जैसे तैसे मुंबई सेंट्रल पहुंच चुके हैं। फाइनली अपनी जर्नी जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। करीब 390 किलोमीटर की जर्नी हमने इसमें की है। हालांकि टोटल ये ट्रेन जो है वो करीब 492 किलोमीटर की जर्नी पूरी करती है, लेकिन 100 किलोमीटर कम हमने जर्नी की क्योंकि हमने बोर्डिंग जो की थी वो BRC यानी कि वडोदरा से की थी। फिलहाल इस जर्नी को एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जर्नी पसंद आई होगी। और हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे सौरभ भाई, सत्य भाई, एज ऑलवेज। कैसा था एक्सपीरियंस भाई? कैसा था एक्सपीरियंस भाई? मज़ा आ गया। बाकी इससे पहले भी हमने उदय में ट्रैवल किया हुआ है। ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेन है, लेकिन ये 130 चलती है और वो कहाँ 110, ऐसी 100 चलती है मेरे ख्याल से। तो इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सौरभ भाई, ये पहला एक्सपीरियंस था डबल डेकर में? शॉर्ट एक्सपीरियंस था, बोरेली से लेकर मुंबई सेंट्रल तक काफ़ी मज़ा आया। चलो, और ये शॉर्ट डिस्टेंस चलती है और शॉर्ट डिस्टेंस चलना चाहिए क्योंकि बैठे बैठे आदमी बोर हो जाएगा क्योंकि इसमें स्लीपिंग की व्यवस्था है नहीं। बाकी फ्यूचर में देखिए ऐसी ट्रेनें बनने वाली हैं, यहाँ पे डबल डेकर में स्लीपर जो कोचेज हैं वो लगाए जाएंगे। फिलहाल चलिए इस वीडियो को इतने ही पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।